वेलकम बैक टू एग्जाम ओडिशा यूट्यूब चैनल। ये वीडियो रे आपको बहुत पिलांकर जो सब डाउट रही से विषय में क्लियर करी जोटा कि डीएमईटी ओडिशा एडमिशन 2021 रो पैरामेडिकल एंड मेडिकल अलर्ट मेडिकल साइंस कोर्सेस रो जो आम सब डिफरेंट डिफरेंट कोर्स रही तार एवं कौन है ना आमर लास्ट डेट आम फर्म पकड़ा लास्ट थी डेट थी 20 तारीख लास्ट डेट थी कि 20 तारीख पर आम लास्ट डेट रोचे वेरिफिकेशन रो 21 तारीख तो 20 तारीख पर पिलांकर कौन हो ना पैरामेडिकल कोर्स लॉगिन होनी तो ये जो लॉगिन होनी कौन पे होनी और जब लॉगिन भी हो पारे तो आप कमी करेंगे और वेरिफिकेशन स्टेटस आप निजर केमती चेक करेंगे से विषय में भिडियो को आज जोटा कि कह आपको डिस्कसन करी तो फास्ट देखो आप पेजटा को ओपन करेंगे मुझे जमी प्रोसेस आप डीएमईटी ओडिशा .gov.in साइट को जी दे गुगुल सर्च करवा क्रोम आप्रे डाउन जोटा कि क्लिक करके गला परे देन कंबाइंड अलर्ट मेडिकल साइंस काउंसलिंग को क्लिक कला परे एमती वाला गोटे पेज ओपन हम आपंकर तो ये देखो तो मेंशन करी मुझे पूरा जूम करके देखे दूसरी आपंक ये देखो तो फास्ट कथा मेंशन करी तले आम दुटा ऑप्शन थी आपड़ जब भी निजे मोबाइल कि जोटा कि सिस्टम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं ये दुटा प्रकार शो करूला रेड कलर एपटे दुटा बक्स शो करूला जोटा कि टू पे आप्लिकेसन और आडमिशन फी देन आम सेकेंड आसाला टू अप्लाई ऑप्शन थिला एपटे आमर थिला हाउ टू अप्लाई जोटा कि आम इंस्ट्रक्शंस थिला तो देखो एबे किंतु गोटे जोटा कि शो करुचे आमर जेहेतु 20 तारीख जाए लास्ट डेट थिला फॉर्म अप्लाई रो तो 20 तारीख लास्ट डेट जो टाइमिंग थिला से टाइमिंग परठु एमती ही शो करुचे तो देखो टू पे आप्लिकेसन और आडमिशन फी खाली देखो कहीं आप्लिकेसन फी तो आपारे ना कहीं आडमिशन फी आम नेक्स्ट डिपोजिट करार अच्छे तो से अप्सनटा काटिनी ये अप्सनटा अच्छी आमती आप पे करेंगे तार भी डिटेल्स भी ए शो कर देती कितु ये जो तले थी हाउ टू अप्लाई कि हाउ टू रजिस्टर से सब अप्सन ये ना तो से ही ऑप्शन टा थिले आपण जाई कि ताकू क्लिक करके निजे लॉगिन करी थांते किंतु से ऑप्शन देखंतु एठी नाही आ गोटे जिनस देखंतु एठी मेंशन से कर देई छी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर कंबाइंड काउंसलिंग इज ऑलरेडी ओवर तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी ओवर हेछि मींस ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस रे आपनकर दुटा ही जाउछि गोटे हला आपनकर रजिस्ट्रेशन देन आपनकर लॉगिन स्टेटस एप्लीकेंट लॉगिन एठी देखंतु ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो थिला 22 दिन रो डेट थिला 30 तारिख रु स्टार्ट करकी 20 तारिख रो 5टा जाय जोटा कि दिन 5टा जाय थिला ऑप्शन किंतु ता परठु ऑलरेडी ओवर स्टेटस जो लिखुचे आम ऑलरेडी ओवर लिखि दे देन आम देखो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आम 11 तारीख रु स्टार्ट करके 21 तारीख जाए मैंने 20 तारीख पर जोटा कि आज जाए 21 तारीख जाए ही यार लास्ट डेट रही है और यहाँ तो जेहेतु आपणकर ऑनलाइन प्रोसेस ऑलरेडी ओवर हो जाए ऑनलाइन प्रोसेस रे खाली आम ऑनलाइन अप्लाई नुह ऑनलाइन एप्लीकेशन सहित रजिस्टर से दुटा कंबाइनली आम ऑप्शन थिला से आप जोटा कि लॉगिन करेंगे ना जमी आम नर्सिंग फॉर्म जब आप अप्लाई करते हैं कि जोटा कि अच्छे एप्लीकेंट लॉगिन सेमती ऑप्शन ये आम डीएमईटी किसी ना तो ये किसी ओरडी हाँ ना कि आपर निजर वेरिफिकेशन स्टेटस देखो वेरिफिकेशन ओनली गोटे दिन एक्स्ट्रा अच्छी वेरिफिकेशन हबार तापर मुझे आपको डेट सीट देखे दूसरे देखो डेट सीट जो मेंशन करछि ऑनलाइन एप्लीकेशन आमर ऑलरेडी 20 तारीख 5टा सुधा सरी जाइछि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आमर 21 तारीख 5टा जाय हबो तापर देखो दिने छाड़ी जोटा कि 23 तारीख रे आमर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बाहर जिवो आपण जो कहते कि वेरिफिकेशन स्टेटस देखिए केमती देखिए लॉगिन करेंगे तो किसी वरीड हूँ लॉगिन आउ ऑप्शन आसबे कि आप लॉगिन निजे करें जेहेतु ऑनलाइन वेरिफिकेशन रो स्टेटस ओवर ऑलरेडी हो सारी आप ऑनलाइन अप्लाई कि ऑनलाइन रजिस्टर करके कि लॉगिन करके निजर स्टेटस देखिपारे ना तो आप जो भावते आम वेरिफिकेशन तो ये 20 तारीख जाए लिखि ना नेक्स्ट पर कमी कौन आम जानव वेरीफाई है कि ना देखो ये सब निजे निजे वेरीफाई होने जोटा कि आम डिपार्टमेंट बाला वेरीफाई ऑलरेडी कर देते आपणकर लिस्ट बाहर प्रोविजनल लिस्ट रे बाहर के तारीख 23 तारीख बाहर तो 23 तारीख जाए आप डायरी वेट करूँ 23 तारीख जाए पूर्व व्यस्त हूँ 23 तारीख में आपंकर ना लिस्ट आसीजो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो पिलांकर ठीक ठाक डॉक्यूमेंट थी जो मानकर डॉक्यूमेंट्स किसी भूल थी कि रिजेक्टेड लिस्ट तार भी रिजेक्टेड लिस्ट भी बाहर जब देखो रिजेक्ट लिस्ट भी जो न बाहर आपंकर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जी ना न आसी थाए कि जहाँ भी प्रोब्लेम होता है ना जो न आसी थाए कि आसी थाए कि डिटेल्स भूल होता है तेल आप चाहिए आपको गोटे दिन टाइम दिखाई देखो मन रखुद ये इंपोर्टेंट डेट 24 तारीख 24 तारीख जदि आप डॉक्यूमेंट किसी भूल अच्छी कि मेरिट लिस्ट ना आसनी कि मेरिट लिस्ट ना आसिकी किसी भूल अच्छी तेल आप 24 तारीख ग्रीभांस दे पारे 24 तारीख केमती तार ग्रीभांस देते से विषय भी पूर्व नोटिस आसीज मुझे
ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି କେମିତି ଆର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବେ, କେମିତି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, କେମିତି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ, ପୁରା କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କେଉଁ ସେକ୍ସନରେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଟଚ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ 23 ତାରିଖ, ତାକୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବେ। ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଫାଇନାଲ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଦେବେ, କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଡାଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜିନ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଭେରିଫାଏ ହେଉଛି, ତ ଅନଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଏତେ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ଇଜି ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଭେରିଫାଏଡ଼ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ବି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାମ କି ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଭେରିଫାଏଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପିଲା ଯେହେତୁ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ କରୁନି। ସେଟା ଉପରେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁନି କି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କାହିଁକି ଶୋ କରୁନି, ଶୋ ନକଲେ ମୋର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି, ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯାଏ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହା ସବୁ ସେସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ କେମିତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବେ, କେମିତି ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ଫର୍ମ ହେବେ କି ନାହିଁ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।